ये यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी होगी, ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है ऑनलाइन नीट यूजी मेडिकल काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आपको एक ब्लिंक करता हुआ लिंक नजर आ रहा है। आप देखिए इस जगह पर क्या है कि आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फैसिलिटी फॉर राउंड फर्स्ट यूजी काउंसलिंग इज अवेलेबल नाउ। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है जो हमने बॉक्सेस में बंद कर दिया। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करिए तो देखिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। इसे आप जैसे ही टिक करेंगे, जैसे ही आप इसे टिक करेंगे फिर क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए ये एक नया इंटरफेस आपको मिलता है। यहाँ पर आप देखिए इसको आप जब ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए नीट यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। यहाँ आपको तीनों की फैसिलिटी दी जा रही है, वो चाहे एमबीबीएस हो या बीडीएस हो या बीएससी नर्सिंग, सभी का एक साथ काउंसलिंग होना है। आप यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको इस वाले पॉइंट पर जाना होगा जो लोग बीएससी नर्सिंग या किसी के लिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही टिक करते हैं तो आप एक नया इंटरफेस यहाँ पर मिलता है। देखिए एग्री टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन प्रोसेस ऑफ एमसीसी नीट यूजी। यहाँ पर सारी कंडीशन दी गई हैं, उनको आपको एग्री करते हुए, यानी एग्री करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। देखिए यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है, जो आपका नीट का रोल नंबर है, ये नीट का रोल नंबर यहां भरना है, नीट का एप्लीकेशन नंबर भरना है, कैंडिडेट नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है और सिक्योरिटी पिन भर देना है, और फिर आपको यहां सबमिट कर देना है। इस प्रकार जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको चीजें आगे की तरफ आपको मिल जाएंगी। अब आइए एक अगले पड़ाव की हम बात कर लेते हैं, जो आपको बहुत सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी यहां पर। देखिए एक चीज यहां पर आपको मिलेगी, एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, आप इसे ओके करिए। देखिए इसे जब आप ओके करते हैं तो क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी चीजों की होती है आपको, तो यहां जब आप करेंगे तो ये देखिए नया इंटरफेस आपको मिलेगा। इसमें क्या करना है आपको, ये इसे आप जो है डेस्कटॉप मोड पर लगा के करिए, अपने मोबाइल में डेस्कटॉप मोड पर लगाते रहेंगे तो थोड़ा सा इंटरफेस आपको जो है बेहतर नजर आएगा। देखिए ये इस तरीके का नजर आएगा, यहाँ आर टाइप इंस्टीट्यूट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ सिर्फ वही चुनना है जो आपके लिए जरूरत है। देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की, तो यहाँ बीएससी नर्सिंग को आप चुन लीजिए। देखिए सबसे नीचे है बीएससी नर्सिंग, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या डिटेल है उनकी, हम एक एक करके सभी की देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ आप देख सकते हैं सभी इंस्टीट्यूट यहाँ पर मिलेंगे आप, और यहाँ सारे इंस्टीट्यूट आपको नजर आ रहे होंगे। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम सभी का एक साथ ले ले रहे हैं, जो डिटेल है वो सभी का एक साथ ले लेंगे। ऑल कर दिया, आप एक एक करके भी देख सकते हैं, उसकी डिटेल को समझ सकते हैं और बिना किसी रुकावट के। तो यहाँ पर आप देखिए इसे आप जब सबमिट करेंगे, देखिए यहाँ आपकी सारी चीजें प्रोफाइल में खुल के आ गई। यहाँ पर आपको 8 एंट्रीज मिलेंगी, देखिए 8 ही इंस्टीट्यूट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो किसमें बॉन्ड है किसमें बॉन्ड नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एक एक करके आप सभी की प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, ये प्रोफाइल आपको डाउनलोड करनी होगी, इसमें सारी डिटेल मिल जाएंगी। ये इंस्टीट्यूट का कोड है, इसे आपको वहां पर नजर आएगा, इस जगह बॉन्ड नजर आ रहा है कि बॉन्ड किसमें है किसमें नहीं है, तो बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ बनारस यानी बीएचयू वाले में बॉन्ड है। तो ये आपने यहाँ पर देखा, तो ये एंट्रीज हैं एक एक करके। अगर आप एक एक करके हम यहाँ पर देखना चाहें तो हम एक एक करके भी डिटेल्स को देख सकते हैं। किसी को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जैसे हमने मान लीजिए बनारस को जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनारस को सेलेक्ट किया और ओके किया, तो यहाँ एक की आपको डिटेल्स मिलती जाएगी। देखिए भाई एक एक बॉन्ड आप यहाँ पर सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी डिटेल को समझ सकते हैं। तो ये आप चीज़ों को देखेंगे, फिर वहाँ से आपको चीज़ें की मिलेगी, यहाँ से आप इसे ओपन करके बाकी चीज़ों को देख पाएंगे। तो उम्मीद ये हम कर रहे हैं कि आप चीज़ों को प्रॉपर वे में कर पाएंगे। ऑल इंडियन इंडिया एक्सपेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, और इंप्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, क्योंकि इसमें सारी हैं अलग अलग बीडीएस और एमबीबीएस के लिए भी काउंसलिंग हो रही है, लेकिन आप यहाँ जो डिटेल देखना चाहते हैं वो बीएससी नर्सिंग की हम यहाँ पर बात करें। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो मेंशन किया गया है उसमें नीट यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग, तीन चीजों की यहाँ पर काउंसलिंग कराई जा रही है इस वेबसाइट के द्वारा यानी एमसीसी के थ्रू, तो आज से शुरू हो रही है। आप जो चाहेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। यहाँ पर नर्सिंग अहिल्याबाई है, यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली है, यहाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, और यहाँ पर LHMC है, और यहाँ पर रकौन है, और यहाँ पर उसके बाद सफदरगंज हॉस्पिटल है, फिर BHU है, फिर उसके बाद नीचे नर्सिंग ऑफ भोपाल, नर्सिंग ऑफ कॉलेज एंड BMHRC है। तो इनकी सब की डिटेल्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है, यहाँ से आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। काउंसलिंग कैसे करनी है उसके बारे में हमने आपको बताया है, अगले वीडियो में भी हम और एक्सप्लेन करेंगे आपको। फिलहाल लिंक एक्टिव हो गया है, अभी और काफ़ी कुछ चीज़ें एक्टिव होनी बाकी हैं, लगातार एक्टिव होती जा रही हैं, उन्हें जैसे जैसे आप यहाँ पर देखते जाएंगे। तो ये एक नया इंटरफेस यहाँ पर आपको मिला है, इसी की बदौलत आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आगे पासवर्ड पासवर्ड बनाकर अपनी प्रोफाइल बनाकर आगे की तरफ मूव कर जाना है, और वहां आप काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो ये आप एक ऑर्डर देंगे, यहां पर प्रेफरेंस ऑर्डर देंगे, तो इन सभी ऑर्डर्स को आप प्रॉपर वे में यहां रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर ये सब नीट का भरना है आपको। ये जो डिटेल देनी है वो नीट की ही देनी है, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, और वो भी नीट 2021 का। जो भी डिटेल्स मांगी गई है, चाहे वो रोल नंबर हो चाहे आपके कैंडिडेट नेम एप्लीकेशन नेम डेट ऑफ बर्थ, जो भी कुछ भरना है सब नीट का ही यहां पर प्रॉपर वे में भरना है। तो
ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको दी। बाकी डिटेल हम अभी वीडियो आएगा एक आपको मिलेगा आज शाम तक, देर थोड़ा देर रात तक, जिसमें हम आपको हर एक कॉलेज की फीस के बारे में बताएंगे कि कितनी किसमें फीस पड़ेगी। वो वीडियो भी आप देखेंगे अभी इसी वीडियो के बाद आपको वो वीडियो मिलेगा, नहीं तो दोनों वीडियो को एक साथ मर्ज कर देंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको अगला वीडियो मिलेगा जिसमें हम इसके फीस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, आठ के आठ इंस्टीट्यूट्स के जो है फीस स्ट्रक्चर्स उसकी भी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।